क्या आपने कभी किसी चट्टान को देखकर सोचा है कि ये कैसे बनी होगी? कहानी लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है, जब इन चट्टानों को बनाने वाले गैस और डस्ट एक साथ इकट्ठे हुए। ये आकाश गंगा में स्थित कई एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। चट्टाने वास्तव में सितारों के टुकड़े हैं और हम भी। चट्टाने यानी रॉक्स और मिनरल्स हमें हमारे ग्रह के इतिहास को बताते हैं। जरा गौर से देखिए, एटम्स सभी पदार्थों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कई एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मिनरल्स यानी खनिज अरबों मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, जो अक्सर विभिन्न क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में व्यवस्थित होते हैं। मिनरल्स आधी पिघली हुई चट्टान मैग्मा से क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। जब मैग्मा ठंडा होकर सॉलिड बनता है तो वो इग्नियस रॉक्स बनाता है, जो कि 3 मुख्य चट्टानों में से एक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जो आमतौर पर पृथ्वी के महाद्वीपों में पाई जाती है। इनमें बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह के नीचे धीरे धीरे ठंडी होती हैं। जब एक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो लावा छोटे क्रिस्टल्स बनाते हुए जल्दी से ठंडा हो जाता है और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जैसे बेसाल्ट का निर्माण करता है। बेसाल्ट समुद्री तल और चांद के अधिकांश भागों को बनाता है। समय के साथ चट्टाने वेदरिंग इफेक्ट जैसे कि जल, वायु, गर्मी या बर्फ की वजह से टूट जाती हैं। छोटे टुकड़े जिन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं, झीलों, नदियों और समुद्र में बह जाते हैं। यहाँ लाखों वर्षों तक सेडिमेंट्स की लेयर्स जमा और कंप्रेस होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे सैंडस्टोन बनाने के लिए। लाइमस्टोन एक दूसरे प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक है। ये समुद्री जीवों के अवशेषों से या सेडिमेंट्स के अंदर केमिकल रिएक्शन से बन सकती है। लाइमस्टोन्स में स्थित फॉसिल्स हमारे इतिहास के एक अच्छे रिकॉर्ड हैं, जिनसे जलवायु के बदलने और विभिन्न जीव जंतुओं के लुप्त होने का पता लगता है। क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों के नीचे की जमीन लगातार मूव कर रही है? प्लेट टेक्टोनिक्स नामक एक प्रोसेस में महाद्वीपों और महासागर की क्रस्ट लगातार पुशिंग, पुलिंग और स्लाइडिंग कर रही है। इससे चट्टानें गर्म और कंप्रेस होकर अपना रूप बदल लेती हैं। मिनरल्स रियलाइन या रिक्रिस्टलाइज होते हैं, जिससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। छत की टाइल्स में यूज होने वाली स्लेट और मार्बल मूल रूप से शेल और लाइमस्टोन के रूप में मौजूद मेटामॉर्फिक रॉक्स के उदाहरण हैं। चट्टानों और खनिजों में होने वाले परिवर्तन हमें उनके ओरिजिन के बारे में बताते हैं। एक चट्टान का शेप और साइज और इसके मिनरल्स का रंग और अरेंजमेंट विभिन्न प्रकार की चट्टानों को पहचानने में जियोलॉजिस्ट्स की मदद करता है। चट्टानों की कई लेयर्स इस तरह से एक सेक्शन बनाती हैं। प्रैक्टिस के साथ आप एक हिस्ट्री की किताब की तरह रॉक के सेक्शंस को पढ़ सकते हैं, जो कि आपको अरबों साल पहले पृथ्वी के इतिहास की शुरुआत तक ले जाता है।